अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरशद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच बलोच। इस वक्त हूँ मैं असन लश्करी विलेज से पहले अजीम प्लाजा के पास। मेरे राइट लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, ये जाता है अपना, ये देखें ये रास्ता जाता है धोबी घाट, और ये जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ ये रास्ता जाता है अजीम प्लाजा। 1 जनवरी आप सबको नया साल मुबारक हो, और अल्लाह करे आने वाला साल आपके लिए एक अच्छा मुबारक साल हो, आपको कामयाबी हो इस साल में, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। और ये है गार्डन का एरिया, इस वक्त हम गार्डन में घूम रहे हैं। और कल रात को काफ़ी लोगों ने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा, मगर कल रात को बैठ के मैंने सबके लिए दुआएं की हैं, अपने लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह इस आने वाले साल को हमारे लिए मुबारक कर दो, और इस साल को जो है ना पिछले साल की तरह मत रखना, क्योंकि हर साल इंसान के लिए कभी अच्छा नहीं होता है, कुछ सालें बुरी भी गुजरती है इंसान के लिए, मगर ये साल अल्लाह करे कि अच्छे से गुजरे हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। ये है गार्डन, गार्डन सब्ज़ी मार्केट बोल रहे हैं या फ्रूट मार्केट बोल रहे हैं, मतलब गार्डन वालों के लिए एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ से सब्ज़ी लेते हैं, शॉपिंग करते हैं छोटे मोटे। कल वाली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, मुझे आपसे मिलना है, तो भाई मैं लियारी में रहता हूँ, मिलना रहेगा इंशाल्लाह, जब 1K हो जाएंगे मैं सबसे मिलूँगा, बल्कि अपना पेस भी रिवील करूँगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, ये सब कुछ बता दूँगा 1K होने के बाद इंशाल्लाह। अब दुआ करें जल्द से जल्द मेरे 1K हो जाएं, कल से ज़रूर मिलूँगा। और मैं आ गया हूँ गार्डन ईस्ट, गार्डन ईस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अगर कोई जानता है इस जगह का नाम तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और यहाँ से जो है ना ये चौक बना हुआ है, इसके लेफ़्ट साइड में रास्ता जाता है धोबी घाट, और सीधा रास्ता निकलता है गोलीमार, और राइट साइड में ये रास्ता गार्डन की तरफ जा रहा है, और अब हम जाएंगे गार्डन की तरफ। और भाई ये गार्डन तक आते आते पैदल आया हूँ मैं, मगर पीछे वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि जिस रास्ते में मैं गुजरा हूँ आज, वो रास्ते के वीडियो काफ़ी सारे मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने सोचा गार्डन पहुँचते ही जो है ना वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, अपने वीडियो का इंट्रो गार्डन में ही करूँगा, मगर पीछे ही मैंने कर लिया था। तो अब मैं जो हूँ गार्डन में पहुँच गया हूँ, गार्डन में अपना जो मेन गेट है वो तो आगे, मगर ये एक मार्केट है, मार्केट गाड़ियों के सामान मिलते हैं यहाँ पर, पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। गार्डन तो एक तो इसी वजह से मशहूर है गाड़ियों के पार्ट्स के वजह से, और दूसरा गार्डन ज़ू के वजह से काफ़ी मशहूर है। और वो जो सामने आपको एम्बुलेंस दिख रहे होंगे, ये है गार्डन ज़ू का गेट, जो एम्बुलेंस है उन्हें घेर के रखा हुआ है। और ये गार्डन चौक है जहाँ से जो है ना काफ़ी सारे रोड निकलते हैं, 380 लसबेला जाने के लिए या सदर जाने के लिए। और अब जो है वापसी हम लोग निकल गए हैं अपना रामस्वामी की तरफ, रामस्वामी का कल पहले से वीडियो बन चुका है, मगर आगे जितने जगह आएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। हवा भी काफ़ी तेज़ है और शोर भी है इस तरफ, मालूम नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं मेरी, मगर फिर से कह रहा हूँ एडजस्ट कर लेना। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, 700 से ऊपर हो गए, और अब इसको 1K कर दो, आप लोगों की मेहरबानी होगी, जितने जल्दी 1K हो जाएंगे उतनी जल्दी जो है ना आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़ा तीर मार लूँगा मैं या बड़ा कोई
चीज़ बना दूंगा, मगर जो जगह मैंने देखे हैं या जो प्लानिंग मेरे जहन में वो करके दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। और अभी जो जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये यहाँ का एक काफ़ी मशरूफ शाहरा है। ये रोड जो है ना रंचो लेन और गार्डन को कनेक्ट करता है आपस में। काफ़ी लोग जानते हैं इस रोड को और काफ़ी लोग नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो वो ये रंचो लेन और गार्डन वाली रोड है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो मुझे नहीं जानते, तो मैं अरशद हसन, अरशद मेरा नाम है, अरशद मेरा नाम है और हसन मेरे वालिद साहब का नाम है। मैं एक मज़दूर पेशा बंदा हूँ, गरीब सा, जो मजदूरी की तलाश में कभी यहाँ से कभी वहाँ से कहीं से भी मिल जाए, शुक्र है अल्लाह का। मगर अभी कुछ दिनों से जो है ना काम नहीं है कुछ खास। आप लोग दुआ करें मेरे लिए, कहीं पे नौकरी लग जाए और मेरे ज़िंदगी का गुजर बसर हो इस नौकरी से, या के जो है किसी काम से। बस आप लोग दुआ करें मेरे लिए, मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगा। ये है लालाजार ऑल, इस तरफ है लालाजार ऑल, ऑल कहते हैं या लॉन कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। हम फिर से जो है ना अजीम प्लाजा वाले रोड पे आ गए हैं। ये अजीम प्लाजा वाला रोड है और सामने से धूप भी आ रही है। वीडियो पता नहीं कैसे आएगी, मगर अभी शाम का वक्त है तो शाम के वक्त धूप सामने ही होती है, मगर मैनेज कर लेना प्लीज़। और कुछ जो नए नए यूट्यूबर हैं, मेरी दुआ है उनके लिए कि वो आगे चल के काफ़ी तरक्की करें और उनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। कल रात को बैठ के मैं नए नए यूट्यूबरों के जो है ना चैनल देख रहा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त, उनका काम भी बड़ा अच्छा है, उनका जो है ना कंटेंट भी बड़ा अच्छा है। मतलब हर कोई अपने बसात के मुताबिक कंटेंट बना रहा है, कोई घर बैठे बना रहा है, कोई बाहर मुझ जैसा चल चल के कंटेंट बना रहा है, कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और मेरे पास तो कंटेंट ख़त्म होने को आ रहे हैं जितना पैदल घूम घूम के जो है ना वीडियो बना लिया। अब जो है किसी सवारी की ज़रूरत है, वो भी देगा अल्लाह इंशाल्लाह। नया साल आ गया तो वो भी आएगा, मगर आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आपका सपोर्ट होगा तो सब कुछ होगा, आप लोग का प्यार होगा वीडियो पे तो सब कुछ दिखेगा। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और ये रंचो लेन के करीब आते जा रहे हैं, और इस रोड पे ज़्यादातर जो है ना मार्केट ही दिखेंगे, ज़्यादातर मार्केट यहाँ से रंचो लेन तक। मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी इलाके का अपना अपना छोटा छोटा मार्केट बना हुआ है, कोई कहीं दूर नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर ये फ्लैट सिस्टम है, हर कोई अपने घर से उतरते ही डायरेक्ट नीचे मार्केट। अच्छा है ऐसे, वैसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता इनको। और ये रामस्वामी की गली में जो है ना ये ऐसे चौक बने हुए हैं काफ़ी सारे, जिसमें जो है ना ऐसे ऐसे ये पता नहीं क्या है पिलर बना हुआ है, मैं नहीं जानता। ये पिलर और सामने बना हुआ है, ये क्या है इनका मकसद, अगर कोई जानता है तो कमेंट में बता देना प्लीज़। मैं नहीं जानता हूँ ऐसे चौक पे इस तरह क्यों बनाते हैं, जैसे पिलर नुमा आधा काम छोड़ के चले गए मजदूर, ऐसा कुछ बना दिया। इसका मालूम भी नहीं पड़ता है क्या बनाना क्या चाहते थे, क्या बन गया ऐसा कुछ है। और इस जगह पे हम आ गए हैं, ये जगह सीधा निकलता है घास मंडी। ये खैर ये जगह आप लोगों ने पहले भी देख चुके हो मेरे वीडियो में, मगर फिर भी आपको बताता हूँ हम कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से गुजरते हैं, सब चीज़ें जो है ना आपको बताते चलता हूँ कि कहाँ कहाँ से होते होते हम वापस वीडियो कहाँ एंड करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ।
और जो लोग, जो भाई चाहते हैं या जो बहनें चाहती हैं कि मैं बलोची में वीडियो बनाऊं, कमेंट ज़रूर कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जो है ना मैं जल्दी एक बलोची में वीडियो बनाऊंगा। और भाइयों, अब जो है हम पहुंच गए हैं लियारी में। लियारी ये जगह आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा पहले, इसको टेम्बर मार्केट भी बोलते हैं, दार बाजार बलोची में बोलते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि मैं यहाँ से पैदल गया हूँ गार्डन तक, वहाँ पर वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। जो हमारे भाई पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठ के देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो बनाई। मगर यार दर्द जो है ना एक बात का होता है, जब इतना मेहनत करके जाओ वीडियो बनाओ, ना उस पर लाइक आते हैं ना कोई कमेंट में ये बताता है कि भाई वीडियो हमें कैसे लगा है। बहुत कम लोग जो बता पाते हैं। और मैं चाहता हूँ यार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा सवाल हो, क्योंकि जिसके वीडियो में ज़्यादा सवाल होते हैं ना, मतलब वो वीडियो कामयाब होता है। जो पूछना आप पूछ सकते हो वीडियो के मुताबिक, किसी जगह के मुताबिक, या कोई सजेशन है आप लोग के जहन में वो आप दे सकते हो मुझे, मुझे अच्छा लगता है। और आइंदा मतलब कोशिश करता हूँ मैं अपने वीडियो में जो है ना इम्प्रूवमेंट लाने की, कि मैं वीडियो को अच्छे से बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और कल मैं देख रहा था काफ़ी सारे भाई जो है ना हमें दुबई से देखते हैं, रशिया से देखते हैं, कनाडा से देखते हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस से, मेरे पसंद का मुल्क मैक्सिको, मैक्सिको से देखते हैं, इंडिया से देखते हैं बहुत सारे भाई। मगर कोई कमेंट नहीं करता हम कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हम फिर से पहुँच गए हैं अपने जेठालाल वाली गली पे, मगर लगता है आगे से बंद है, हमें वापस मुड़ना पड़ेगा। जेठालाल वाली गली आगे से बंद था, पता नहीं किसी की शादी हो रही है या अल्लाह जानता है क्या हो रहा है, मगर बंद है। हम वापस यहाँ से निकल रहे हैं। अगर कोई भाई जानता है ये कौन सी जगह है तो कमेंट में बता देना ये जगह कौन सी है और ये गली कौन सी है। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना कभी हमारे एक्स वज़ीर तालीम रहा करती थी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ज़ुबैदा जलाल इसी बिल्डिंग में रहती थी, जो हमारे एक्स वज़ीर तालीम थी, जिनका ताल्लुक मंद बलूचिस्तान से, मकरान का एरिया मंद, वो यहीं पर रहती थी पहले। और भाइयों कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपने राय दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।